अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं YouTube चैनल क्रिकेट विद स्माइल। लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुजरात टाइटंस को 33 रन से हरा दिया। गुजरात मुझे बहुत डिसअपॉइंट कर रही है। शुभमन गिल के अलावा बैटिंग में लगता है ऐसे कोई करना ही नहीं चाहता। शुभमन गिल की विकेट गिरती है, साथ ही बैटिंग का ढेर लग गया। 9 लगी ऐसी बैटिंग की, 54 पर कोई आउट नहीं था, 164 का चेस था। आज शुभमन गिल कैप्टनसी बच्चे करते हुए दिखाई दे रहे थे। टारगेट को इतना बड़ा नहीं था, चेज हो जाना चाहिए था। शुभमन गिल भी वहाँ पर आउट होते हैं, उसके बाद 80 लाइन लगती है सबकी। यश को क्रेडिट जाता है जिन्होंने 5 विकेट्स लिए हैं। क्या खूब बॉलिंग उन्होंने की है, स्लो डिलीवरीज का उन्होंने इस्तेमाल किया। के साथ कृणाल पांड्या 3 विकेट्स वो ले गए। रवि बिश्नोई की बॉलिंग भी बहुत अच्छी रही। यहाँ पर ये अच्छी बैटिंग के लिए अच्छी विकेट थी, इतना मुश्किल नहीं था कि इतना बड़ा कोई टारगेट हो, चेज कर जाना चाहिए था। मैं गुजरात टाइटंस बहुत डिसअपॉइंट कर रही है, मैं तो उनको प्ले ऑफ्स में देख रहा था, पर इस तरह तो 5 में से 3 मैच पर हार चुकी है। बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है गुजरात की, मैच से बेटर एक्सपेक्ट किया जाता है, पर ये तो बहुत ही डिसअपॉइंट कर रहे हैं। शुभमन गिल खुद बैटिंग में खुद परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं सिवाय एक मैच के, उनको खुद बैटिंग में स्टेप अप करना होगा। उनके अलावा भी बाकी जो बैट्समैन है उनको भी परफॉर्म करना पड़ेगा। दूसरी तरफ लखनऊ की बात करें, तीसरा मैच लगातार वो जीत गए हैं। डिफेंड करने में बहुत अच्छी टीम है, उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है देखा जाए तो, ये डिफेंड करने की बात है। बैटिंग में वो खुद का कुछ खास नहीं कर पाए थे। आखिर में पूरन ने रन मारे थे, उनको एक अच्छे स्कोर तक पहुंचा दिया था जहाँ से वो फाइट कर सकते थे। वहाँ पे फिर जैसे स्टार्ट गुजरात को मिला, मुझे लगा चेज हो जाएगा आराम से, पर उसके बाद जो लाइन लगी है इनकी, लाइन पे विकेट्स पे विकेट्स गिरती रही हैं इनकी, आखिर तक विकेट ही गिर गया, आखिर में ऑल आउट ही हो गए सारे के सारे। ये देखना पड़ेगा। मयंक यादव ने एक ओवर कराया था, उसके बाद वो चले गए थे, कोई पेन था उनको भी मसला, देखते हैं वो किस तरह रहते हैं। आज उन्होंने पहला ओवर से इतना अच्छा नहीं कराया था, और अब देखते हैं वो कैसे हैं, अभी उनकी कोई खबर नहीं आई। बस एक ओवर उन्होंने करवाया आज। केआर राहुल को मैं देख रहा हूँ, उनका थोड़ा अजीब सा स्टाइल है कि आखिर तक मैच कैरी करूँ, ऊपर से चला के खेला करें ना, जैसे वो खेल सकते हैं, ये एक एंड से रोकने वाला काम ख़त्म करें। अब ये इस तरह अजीब लगता है मुझे T20 में, कि जो एक एंड से रोक के बंदा रोक के रखा हुआ है, दूसरे एंड से मारी जाओ, एक एंड से ये तरीका पुराना हो गया है, नहीं अच्छा लगता। केआर राहुल को भी देखना पड़ेगा, थोड़ा चला के खेलें ऊपर से। पुरान इनकी तरफ से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, दूसरी तरफ गुजरात ने मुझे सही डिसअपॉइंट किया हुआ, इनसे बहुत बेहतर एक्सपेक्ट किया जाता है। जब पहला मैच ये जीते थे तो मुझे बहुत अच्छी नज़र आई थी कि टीम बॉन्डिंग, ये तो बैटिंग में लगता है जैसे गिल नहीं चलेगा तो ये ढेर हो जाएंगे, बॉलिंग इनकी फिर भी अच्छी है। राशिद खान है, मोहित शर्मा इनके पास हैं, जो कि पिछले सीजन में बहुत अच्छे रहे थे। राशिद खान जैसा बॉलर हो तो फिर और क्या ही चाहिए बॉलिंग में। बैटिंग में भी ये कुछ खास कर नहीं पा रहे, गिल के अलावा जैसे गिल आउट होते हैं इनको लगता है ख़त्म हो गई जैसे इनकी बैटिंग। डिसअपॉइंटिंग है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। लखनऊ दूसरी तरफ से अच्छी टीम लग रही है क्वालिफिकेशन के लिए, वो मुझे ज़्यादा लग रही है। कल मैच है, चेन्नई और कोलकाता का मैच है। कोलकाता अभी तक कोई मैच नहीं आ रही है, 3 में से 3 जीती हुई है। चेन्नई का भी कुछ डिसअपॉइंटिंग शुरू हुई भी थी परफॉर्मेंस, जैसे गुजरात की हाल है कि मैच वो जीत रहे थे फिर एकदम से हारना शुरू हो गए। कल देखना पड़ेगा, कल कहते हैं कल तो चिपॉक में मैच है, होम से होम में उनके मैच है, तो होम में तो अच्छा ही खेलते हैं, रिकॉर्ड उनका बहुत अच्छा है, तो उम्मीद यही है कल वो अपना मैच जीतेंगे, देखना पड़ेगा कल। पर ये गुजरात देखो भी सबसे ज़्यादा देखने की ज़रूरत है, क्या उनके परफॉर्मेंस पर ध्यान दें, इतना कोई मुश्किल विकेट नहीं था, ये सीधी सीधी बॉलों पर आउट हुए। कृणाल पांड्या की तो बॉल एक आउट होने वाली थी भी नहीं, उस पर भी विकेट दे गए थे। यश ने बड़ी अच्छी वेरिएशन का इस्तेमाल किया, नवीन ने भी अच्छी बॉलिंग की है, शुरू में मार पड़ रही थी उनको, ये चीज़ें देखनी पड़ेगी गुजरात को। बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है, इससे बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद है। कल का देखते हैं मैच कौन कौन जीतता है। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।